नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं रतनपुरवा गांव में और इसका पोस्ट चिवढा पड़ता है थाना सेमरा, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात किया जाए तो बगहा पड़ता है और डिस्ट वेस्ट चंपारण बिहार। यहां पे एक भैया हैं जो हमारे साथ ही पढ़ाई करते थे और जिस स्कूल में हम पढ़ाई किए उसी स्कूल में ये भी पढ़ाई किए। ये हमसे एक साल सीनियर थे और इन्होंने 3-4 साल जॉब भी किया दिल्ली में, और जॉब करने के बाद इन्होंने सोचा कि चप्पल का बिजनेस शुरू किया जाए, तो आज ये अपने गांव में आकर चप्पल का बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं। और आज हम उस सारी बातों को जानेंगे, यदि कोई चप्पल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए भी यह वीडियो काफ़ी मददगार होगी। बहुत से युवा सोच रहे हैं कि बिजनेस शुरू किया जाए, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी मददगार होगी। सबसे पहले हम जानेंगे इनका परिचय, आप अपना सबसे पहले परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, हम भी इसी रतनपुरवा गांव के निवासी हैं और हम लोगों ने अभी पार्टनरशिप में ये कंपनी स्टार्ट किया है। पार्टनरशिप जी, पार्टनरशिप में स्टार्ट किया कंपनी ये हम लोगों ने 6 अगस्त को ही आज 9 अगस्त 2021 है जी, 3 दिन के बाद हम इनसे मिले हैं और ये अभी सब कुछ बताएंगे। आप सबसे पहले बताइए जी कि जो भी मशीन लगा है उस सब का आप पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्या क्या मशीन लगा है, कितना कोस्ट लगा है, बिल्कुल ये सभी आप बताते चलिए। उसके बाद आप ये भी बताइएगा कि एक जो चप्पल तैयार करने में कितना समय लगता है, काट के आप दिखाइएगा और लास्ट तक सब कुछ दिखाइएगा, ठीक है? सब दिखाएंगे। अभी आप कटिंग होती है, कैसे हम लोग डील करते हैं, कैसे मतलब फिनिश करके चप्पल तैयार कर देते हैं, थोड़ा सा हम परिचय देना चाहेंगे। ये हमारे जो है हमारे बिजनेस के पार्टनर है अभिषेक कुमार, हमारे गांव की हैं। आइए, ये हमारे गांव की आइए, ये लोग पार्टनरशिप में किए हैं। कितने लोग पार्टनरशिप में हैं? 2 लोग हैं फिलहाल, अभी तो फिलहाल 2 आदमी हैं जी, 2 आदमी पार्टनरशिप में। अच्छी बात है जी। शुरुआत करेंगे इस मशीन से। हाँ, इस मशीन से। ये कटिंग मशीन है, ये वाला जी, जो 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 चप्पल का जो सोल होता है जो काटते हैं हम, ये सीट है। हाँ, काट देख सकते हैं, ये तो रेडी हो गया ना, रेडी माल है, रेडी हो गया है, रेडी माल है। बेसिकली जो सोल आता है चप्पल का, जो सोल आता है, देख सकते हैं ये सीट, ठीक है? अभी काट के दिखाइएगा। सबसे पहले बताइए ये मशीन कहाँ से मंगाया है, नया मंगाए हैं कि सेकेंड हैंड मंगाए हैं? नहीं, नया ही लिए हैं, मध्य प्रदेश से लिए थे, हमारे एक कलीग हैं वहाँ पे और जानने वाले थे, तो उन्होंने काफ़ी चीप रेट में उन्होंने दिलवा दिया है ये मशीन को। हाँ जी, जो कि मार्केट में शायद आप लेने जाएंगे इसका तो लगभग 90-1 लाख के आसपास की मशीन है ये, बट उन्होंने मुझे कुछ कम प्राइस में दिलवा दिया था। इसका स्टार्टिंग आपको 75-80 से स्टार्टिंग है मशीन का। हाँ, ये हाइड्रोलिक मशीन है ये, बस वो क्या सोल कटिंग मशीन इसको बोलते हैं। हाँ, सोल कटिंग मशीन है। अब आते हैं दूसरा जी, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कटिंग होने के बाद अब इसको लाया जाता है इधर। आइए इधर, थोड़ा आप लोग इधर आइए। सोल कट होने के बाद यहाँ पे देखिए फिनिशिंग के लिए आता है। हाँ, ये ड्रिल मशीन है, जैसे सोल कटते हैं, सोल जो काटते हैं चप्पल का, उसको जो फिनिश करने के लिए, इसको फिनिश करते हैं, फिनिश करते हैं। अभी दिखाया जाएगा, घबराइए मत। उसके बाद यहाँ पे जो होता है ना, जो फिद्दी होता है इसका, जो लगाने के लिए यहाँ पे होल किया जाता है उसको, यहाँ पे होल करते हैं उसको। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, होल करने के बाद जैसे ये होल हो गया है, पहले से हमने कर रखा है ये, जैसे होल कर रखा है मैंने, होल करने के बाद इसमें फीता को लगाने के लिए इसको इसका यूज किया जाता है, फीता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब एक मशीन इधर आया, फिर इधर आने हो गया, यहाँ पर आने के बाद रेडी हो गया, ये थर्ड स्टेप है। हाँ, थर्ड स्टेप है, यहाँ आने के बाद चप्पल रेडी हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, इस तरह से चप्पल रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद आप पैक कर सकते हैं इसको, पैक करने पहले साइनिंग आता है, साइनिंग जैसे मिट्टी उट्टी लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो उसको हम इसको सफाई करने के लिए है लिक्विड है, इसको हम इसको साफ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें साइनिंग भी आ जाता है, अच्छा लुक भी इसका अच्छा जाता है जी। अगर आपके पास एक चप्पल कितने कॉस्ट में आ जाती है और इसको कितने में आप बेचते हैं? अभी हम लोगों ने जो जेंट्स स्लीपर है उसका हमने रेट अभी रखा है 80 रुपये, मात्र अस्सी रुपये जी, 80 रुपये। जैसा कि आप इसके क्वालिटी दे सकते हैं, सोल दे सकते हैं, अगर आप यही चप्पल अगर मार्केट में ले जाते हैं, मुझे लगता है कि 125 से नीचे आपको ये शायद मिलेगा आपको। सही बात, सही बोल रहे हैं एकदम, बिल्कुल। हम लोगों ने ये भी कर रखा है कि 6 महीने के अंदर सपोज आपको किस तरह की इसमें प्रॉब्लम भी आती है, सपोज ये फीता अगर टूट जाता है या सोल में कहीं कुछ हो जाता है तो उसको रिप्लेस भी कर देंगे। बहुत बढ़िया, शायद आपको मार्केट में ये कोई नहीं देने वाला है।
छः महीने की वारंटी कोई नहीं देने वाला आपको। अब आप एक काट के दिखाइए चप्पल और पूरा रेडी करके दिखाइए, बिल्कुल कितना समय लग रहा है। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है दिखाते हैं। दोस्तों कल हम आए थे इनके पास तो लाइट नहीं था, इसलिए हम चले गए और आज दोबारा हम फिर इनके पास आए हुए हैं जो आगे का प्रक्रिया है आपको दिखाने के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। अब आप शुरू से लेके लास्ट तक इस तरह से भी एक चप्पल आप तैयार करते हैं। अब आप हमको करके दिखाइए। दोस्तों ये सीट है और इस सीट में आप कितना चप्पल निकाल लेते हैं? ये इस सीट में लगभग आपको 15 से 16 पेयर आपको इसमें निकल जाएंगे। 15 जोड़ा भी हो सकता है, 16 जोड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है साइज पे कि आप कितना 7 में निकाल रहे हैं, 8 में निकाल रहे हैं, 9 में निकाल रहे हैं। अभी ये कौन सा साइज काट रहे हैं आप? ये अभी 8 नंबर साइज है। 8 नंबर साइज काट रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, हम 8 नंबर साइज ही पहनते हैं। चलिए काटिए। हाँ ये सोलर कटर मशीन बोलते हैं। मशीन है, हाँ सोलर कटर मशीन है ये, देख सकते हैं इसको सीट पे हम इसको। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लगा दिए हैं। ये जो है अभी साइज का आता है, 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर, इस तरह सब का ये अलग अलग इस तरह का साइज है जी। और साइज लगाने सिर्फ साइज यहाँ बदल दीजिए, चप्पल का साइज बदल जाएगा। आने दीजिए आने दीजिए। अब कट हो गया। हाँ, थोड़ा नजदीक आइए आप, यहाँ पे आप दिखाइए, यहाँ पे आइए और देखिए। ये आप देख सकते हैं साइड में ये पूरा, हाँ सोल कट गया है, कट गया है, पूरा कट गया है। अब आपके अगला क्या कीजिएगा जी? इसको निकालने के बाद, हाँ इसको निकालने के बाद पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रोसेस, प्रोसोल पूरा फिनिशिंग कट गया है, बहुत अच्छा कटा है जी, बिल्कुल बहुत अच्छा ही है। उसको क्या करेंगे, जैसे जैसे काटने के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कुछ बच गया है, इसको हम इसको जो ये मशीन है इसको ड्रिल मशीन बोलते हैं, ड्रिल मशीन इसको सफाई कर देंगे ताकि इसमें पूरा फिनिशिंग। दिखा देते हैं, देखिए कैसा कटा है। और देखिए यहाँ पे होल भी हो गया है, हाँ यहाँ पे होल भी हो गया, यहाँ पे फीता लगाएंगे इसका, वो साइज में होल भी हो गया है। अभी चलिए फिनिशिंग करके दिखाइए। हाँ ये हमारे मुकेश जी हैं, मुकेश जी ये आपको इसको फिनिश करके दिखाएंगे आपको। आप रखिए उसको, इसको फिनिश कीजिए, हाँ वो रख दीजिए। ये हमारे यहाँ के मुख्य ऑपरेटर हैं आपके, अच्छा मशीन को यही सब चलाते हैं इसको। वहाँ होल करेंगे जी, ये फिनिश करने के बाद जो हम जैसे जो फीता लगाते हैं, हाँ। उसमें एक्चुअली जो हम जब कटिंग करते हैं ना, हल्का हाँ। हल्का उसमें छेद होता है, उसको हाँ। फीता करेंगे, उसको उसके साइज पे हाँ। साइज का उसमें होल करना पड़ता है ताकि उस फीता आसानी से उसमें जा सके। हाँ देख सकते हैं, आप फीता लगाइए जी, ये आप देख सकते हैं से, ये देख सकते हैं इसकी देखिए कितनी तरह से क्लीन हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ चलिए फीता लगाते हैं जी। आप देख सकते हैं आप फीता लगा रहे हैं, फीता लगा नीचे क्या कर रहे हैं वो भी दिखाइए, नीचे नीचे दबा रहे हैं। बहुत आसान है, अरे वाह।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब फीता लग चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहले इसको काटा गया है, काटने के बाद फिनिशिंग किया गया है, और फिनिशिंग करने के बाद फीता लगाया गया है, या इसको आप फीता लगाने वाला मशीन भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। अब यह पूरा कंप्लीट हो गया, इसका दूसरा जोड़ी भी बनाया जाएगा। अगला स्टेप क्या है? क्लीनिंग रहेगा, तो इसको उसे केमिकल है उसको इसमें से साफ कर देते हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा साइनिंग आ जाता है, साइनिंग आ जाता है, तो इसका लुकिंग थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। साइनिंग आने के बाद फिर आप पैक कर दीजिएगा, इसको हम पन्नी में पैक कर देंगे। जो भी साइज है उसका डब्बा भी है, देख सकते हैं डब्बा भी, डब्बा दिखाई तो सर, उसमें पैक करके ये सब चला जाएगा, सेल के लिए चला जाएगा। अभी दोस्तों यह शुरुआती है, और आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर इन लोगों का पूरा होगा, क्योंकि अभी एकदम शुरुआत किए हैं, अभी जस्ट अभी शुरुआत ही किए हैं, तो फिर भी बहुत अच्छा है, और अच्छा खासा यहाँ ये लोग अभी चप्पल निकाल चुके हैं। दोस्तों आपने देखा चप्पल शुरू से किस तरह से कटिंग करते हैं, किस तरह से ये सब कुछ करके रेडी करते हैं, और अब हम चलते हैं प्राइस की तरफ। जैसे कि यही चप्पल ख़रीदना है, तो ये चप्पल का प्राइस आप कितना रखे हैं? ये क्या है कि ये जैन चप्पल है, इसका हमने प्राइस रखा है यहाँ पे 80 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपये। जिस बाज़ार में तो ऐसे 120 रुपया, 110 रुपया तो ऐसे बिक रहा है। अगर आप यही चप्पल अगर मार्केट से लेने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपको 120, 125 से नीचे आपको मिलेगा। आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, सीट देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, मजबूती इसकी देख सकते हैं। हाँ, एक्चुअली ब्रांडिंग में और इसमें डिफरेंस क्या है? ब्रांड बनता कैसे है, बनाता कौन है? हम सब पब्लिक ही मिलके बनाते हैं इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छा सामान दीजिए और अच्छी रेट में दीजिए, आप पैसे के पीछे मत भागिए, और आप सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट देने के पीछे भागिए। जैसे मुकेश अम्बानी हो गए, मुकेश अम्बानी ने जियो लॉन्च किया, उन्होंने सस्ता दिया, फ्री ही दे दिया। पहले आपको मैं नहीं कहूँगा कि फ्री में दीजिए, लेकिन आप सस्ता से सस्ता दे सकते हैं, लोग उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। तो आप यही है कि आप सस्ता से सस्ता सामान देकर और लोगों के बीच में आप विश्वास बना दीजिए। बिल्कुल, हमारा ये कर्पस यही है कि जो हमारे आसपास के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनको कम कीमत में अच्छा चीज़ मिले। ठीक है, हमने इसका रेट 80 रुपये फिक्स किया है, 80 रुपये फिक्स किया, बट हमने बट जैसे वैसे भी लोग हैं जो शायद 80 रुपये भी अफोर्ड ना कर पाए, हम लोग उनके लिए भी कुछ स्पेशल कुछ डिस्काउंट रखा है, उनको भी कुछ कम में करके दे सकते हैं। मोदी जी ने बोला है कि लोकल को वोकल बनाइए, तो वोकल बनाया कौन? हम जो हमारे पब्लिक हैं वही मिलकर बनाएगा। बिल्कुल, तो वैसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है, इसमें जो भी हमारे हैं पब्लिक, उनका सपोर्ट तो बिल्कुल चाहिए होगा, बिना उनके सपोर्ट तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ज़रूर सफल होगा आपका। जैसे कि दोस्तों ये जॉब छोड़ के आए हैं दिल्ली से, और ये दिल्ली से जॉब छोड़ने के बाद ये बिजनेस शुरू किया है, ज़रूर आपका सपना पूरा होगा और सक्सेस ज़रूर होगा। ये जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, हमें तो रोज़गार मिल ही रहा है, साथ साथ में जैसे हमारे गांव के दो तीन लोग हैं, हमारे गांव के बहुत से लोग हैं जो कश्मीर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी मिल सकता है। आपने शुरू से अंत तक देखा और सब कुछ आपको हमने बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको इससे लाभ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।